नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं खेतड़ी माइंस। चूंकि मैंने पहले भी एक वीडियो आपको पार्ट वन आपने देखा होगा, और ये सेकंड पार्ट है जो कि ये मुख्य द्वार है। देख सकते हैं ट्रेनिंग के लिए हम लोग जो हमारे साथी हैं ये सारे लोग हम लोग गए थे। तो ये सेकंड पार्ट में हम आपको और चीज़ बताने वाले हैं खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के बारे में, HCL का जो कि है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। गेट दोस्तों जहाँ से आप इन करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं खेतड़ी के बारे में, अभी हम सारी जानकारी आपको देंगे। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। आप यहां से इन करेंगे और अंदर जाएंगे तो खेतड़ी माइंस की ओर, तो ये चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। कॉपर माइंस में यहां क्या क्या चीज़ें हैं जो आप घूम सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यहां देख सकते हैं, ये सब कुछ बताएंगे। माइंस के गेट के पास हूँ, ये गेट है खेतड़ी माइंस का, जहाँ से आप जो है इन होंगे। ये आपको सिंघाना उतरना पड़ेगा, सिंघाना शहर जो है नगर है, वहाँ से उतर के आप राजस्थान का सिंघाना, वहाँ से आपको 3 किलोमीटर पड़ेंगे जो कि आप पैदल या फिर ऑटो से आ सकते हैं। यहाँ के बारे में भी मैं एक एक बात बताने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से इसे जो है तामा परियोजना के रूप में जाना जाता है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार के एक सार्वजनिक उपक्रम खेतड़ी कॉपर लिमिटेड ने किया है और उन्हीं के अधिकार में। ये गेट है जहाँ से आप इन करेंगे जो कि रोड के पास आपको मिलेगा। इधर दिल्ली जा सकते हैं, इधर जो है सिंघाना आप जा सकते हैं, और इधर खेतड़ी माइंस आगे और जा सकते हैं। यह जो नगर है ये चारों तरफ पर्वत से घिरा हुआ बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का दोस्तों। यहाँ पे एक किला भी है जो समीप में तांबे का खदान है जिनका मुगल काल में बड़ा महत्व था। ये है दोस्तों, यहाँ से आपको 500 मीटर आगे जाना पड़ेगा। जब आप आगे जाएंगे तो अभी हम आपको आगे भी ले चलते हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड जो है स्लाइड करके रेंज को है जो कवर कर लिया गया है। इधर आपको कोई भी घर वगैरह नहीं मिलेगा। जो इसका क्वार्टर है ये बगल रोड पे है, और वो भी आपको भी हम दिखाते हैं। तो आगे हम आपको ले चलते हैं। और ये जो है प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही लोग आते हैं। तो अभी मैं आपको और अंदर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तो ये है दोस्तों, यहाँ से आपको 500 मीटर लगभग पैदल चलना पड़ेगा। जब आप पैदल चलेंगे 500 मीटर तो आप ये अपना जो भी ये है दिखाएं, जो आपका परिचय है, तो आपको मैं अभी अंदर ले चलता हूँ। और ये मैं अभी देख सकता हूँ, आप देख सकते हो कि मैं अंदर जा रहा हूँ, और अंदर जाके देखते हैं कौन कौन सा ब्लॉक है, क्या चीज़ें हैं, यह सब कुछ। तो ये अंदर का दृश्य है। यहाँ पे अलग अलग रोड मिलेंगे जो कि आपको माइंस की तरफ ले जाएंगे, बट आपको जहाँ पे काम है उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो ये मैं प्रशिक्षण विभाग की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पे ब्लॉक दिया गया है किधर आपको क्या देना है, क्या कहाँ पे जाना है, वो सारा एरो लगा हुआ है, आप उसके हिसाब से जा सकते हैं। यहाँ पे अनुशासन एवं विकास का आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस साइड पे आपको काम है तो यहाँ पे जा सकते हैं। और ये रोड जो है अभी अगर आपको माइंस की तरफ जाना है, अंडरग्राउंड माइंस आगे है जो कि जहाँ से कॉपर जो भी निकलता है उसके बारे में, तो वो आपको आगे जाना पड़ेगा। उधर अभी जाने के लिए वैसे परमिशन है भी लगी हुई है। तो यहाँ से जो मेरा ट्रेनिंग का क्लास है ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है। और ये क्लासरूम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फोटोज वगैरह लगाया गया है कि यह क्या क्या चीज़ें था पहले। और ये है जो पूरा क्लासरूम है यहाँ का। और अगर आपको ट्रेनिंग माइंस देखना है तो माइंस के लिए आपको उस साइड पे जहाँ आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आप जा सकते हैं। ये जो रोड जाती है ये आपको अंदर ले जाएगी जहाँ पे माइंस वगैरह है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको जो भी परमिशन वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी काफ़ी कम लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, और अभी हम लोग पहुंच चुका है खेतड़ी माइंस, और ये पार्ट टू है खेतड़ी माइंस का। और अभी हमारे साथ जो है हमारे मित्र सारे जो ट्रेनिंग के लिए हैं, तो वो आपको एक एक पॉइंट बताएंगे यहाँ के बारे में, खेतड़ी माइंस कैसे आप आएंगे, क्या क्या चीजें हैं, किधर क्या चीज है, ये सब कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए उन्हीं से मिलते हैं और जानते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, ये सब कुछ अभी दिखाते हैं। और इतना अंदर पहुंच चुके हैं हम लोग, यहाँ खेतड़ी से 2 किलोमीटर अंदर है जहाँ पर एक डीएम साहब। और ये यहाँ का अनोखा दृश्य है, देख सकते हैं अद्भुत अलौकिक, चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ। बता सकते हैं मैं खेतड़ी के फर्स्ट गेट से एंटर कर चुका हूँ। यहाँ ये रास्ता है जहाँ से कॉपर को निकाला जाता है, और इसके जस्ट आप सामने जाएंगे 100 मीटर आगे डीएम साहब का ऑफिस है, उसके लेफ्ट में कैंटीन है, और यहाँ का डेवलपमेंट डिपार्ट है,
उसको और आगे जाएंगे तो अंडरग्राउंड जाने के लिए एक हेडगियर और इस प्रकार से ऑफिस बना रखा है, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में वर्किंग बेस है जहाँ पे काफ़ी आपको कॉपर और आयरन वगैरह मिलेगा रखा हुआ, जो कि अंडरग्राउंड से बाहर निकाला गया है। और ये जो सामने नज़र आ रहा है ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे आप कुछ? पावर प्लांट था जो कि टर्बाइन जिसको बोल सकते हैं माइनिंग की लैंग्वेज में, अब करंट में ये बंद पड़ा हुआ है और इसका टर्बाइन दूसरा अपोजिट साइड में बन गया है जो कि पीछे की ओर है। अच्छा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस साइड पे और आपको अभी सब कुछ दिखाएंगे। यस, बट क्या है कि अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, हम लोग काफ़ी पहले पीछे है, इससे हम 100 मीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले हमको सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। तो सेफ्टी के लिए हम लोग को जो माइनिंग का बूट्स है और हेलमेट है और जैकेट्स वगैरह रहती है जो, तो वो सब पहन के हम लोग को एंट्री करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। बोलो, अभी आप मुझसे जुड़े रहिएगा, हम लोग निरंतर चल रहे हैं, हमारे सारे मित्र और भी हमारे साथ जो भी फ्रेंड्स हैं वो आए हुए हैं यहाँ खेतरी माइंस में विजिट करने के लिए। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप मुझसे जुड़े रहिएगा और निरंतर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू आगे जा रहे हैं, तो जो भी आगे की आपको जानकारी होगी वो आपको बताई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी बजाना ना भूलिए। और ये माइंस मैनेजर ऑफिस है जहाँ पे जीएम जो है यहाँ पे बैठते हैं, जो यहाँ के हैं, और माइंस मैनेजर ये सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये सामने जो है ऑफिस के सामने पार्किंग भी बनाया गया है जहाँ पे पार्किंग के द्वारा गाड़ी वगैरह रखे जाते हैं। ये हम लोगों का कुछ पहले का पिक है जो आप देख सकते हैं, काफ़ी अद्भुत अलौकिक वहाँ का जो अद्भुत दृश्य है उसमें से कुछ यादगार फोटो हैं। और अभी मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें। और ये देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ से जो है जब आप राजस्थान आएंगे तो वहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ही सुंदर लगेगा कि वहाँ पे घरों की जो संख्या है वो बहुत दूर दूर पे है, डिस्टेंस पे है। और ये माइनिंग के अंदर का कुछ दृश्य है जो आप देख सकते हैं, चूँकि माइनिंग के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड भी नहीं है तो उतना हम फोटोज़ के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं। ये वहाँ का किला है जो कि खेतड़ी माइंस के बगल पे किला पड़ता है। जब आप खेतड़ी जाएंगे, सिंघाना उतरेंगे तो वहाँ से किला भी घूम सकते हैं जो कि खेतड़ी में है। और ये माइंस का है ऊपर का दृश्य आप देख सकते हैं, ये खेतड़ी माइंस ही है जहाँ पे आप अंदर जाएंगे। इसके बगल में जीएम ऑफिस है, माइंस मैनेजर बैठते हैं। और ये अंदर का कुछ अद्भुत दृश्य जहाँ पे एसडीएल मशीन वगैरह जो भी चलते हैं अंदर में, ये सब कुछ है अंदर में। और यहाँ पे जो है, और यहाँ जो आप जब जाएंगे अंदर तो आपको सॉफ्ट इंक्लाइन मिलेगा चूँकि वो लिफ्ट के माध्यम से है। जब आप ऊपर में बैठेंगे तो डायरेक्ट आपको नीचे ले जाया जाएगा। और यहाँ का जो है सब कुछ व्यवस्था है, फायर ब्रिगेडियर का भी यहाँ पे व्यवस्था है ताकि ऐसा कोई दुर्घटना ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोपर क्लब भी लिखा हुआ है। ये माइंस का वही जगह है जहाँ से आप अंदर जाएंगे। यहाँ पे जब भी आपका ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग के लिए अगल बगल में आपको रूम बहुत ही कम दामों में मिल जाएगा। और अगर आपको और अच्छा रूम चाहिए तो आपको सिंघाना में लेना पड़ेगा। और सिंघाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर खेतड़ी माइंस है, वहाँ से हमेशा आपको जो है बसें वगैरह या ऑटो वगैरह मिल जाएंगी। और आप जो है हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड किसी को भी बोलेंगे तो वहाँ पर आपको उतार देगा। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर माइंस पड़ता है जब आप अंदर जाएंगे तो। ये माइंस के अंदर का दृश्य है ओपन कास्ट में जब काम हो रहा था वहाँ का। और अंदर जाने से आपको कुछ ही दूरी पैदल चलना पड़ेगा, बस्ट वहाँ पे सामने है। अगर आप जॉब की बात करें तो जॉब आप पे निर्भर करता है, क्योंकि पहला वीडियो में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पूछा था कि जॉब यहाँ पे कैसा लगता है। तो जब आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद अगर आप वहाँ पे सीट खाली है, आपको वहाँ के माइंस मैनेजर से बात करना होगा तो आपका जॉब वहाँ पे लग सकता है। खेतड़ी में ऐसा ऑफ़र होता है। और जब भी खेतरी माइंस का जो हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड का है वैकेंसी निकलता है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से आपका जॉब वहां पे लग सकता है। तो कोपर का जो है यहां पे काफ़ी ज़्यादा कोपर जो है काफ़ी ज़्यादा में मटेरियल में निकलता है। और ये ऊपर का दृश्य है, मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं जो यहाँ का अद्भुत दृश्य है वो देख सकते हैं। इसके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, जैसे खेतड़ी किला हो गया, खेतड़ी सिंघाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट है, वहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर और कुछ कवर करेंगे जिससे आपका और भी जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।
अगर आपको यहाँ पे एलएच करना है तो एलएच के लिए आपको 7 दिनों का क्लास करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो कि आप अजमेर जोन से अप्लाई कर सकते हैं जीटी के लिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा माध्यम है, चूँकि एलएच यहाँ से आप करेंगे तो आपका जो जोन पड़ेगा वो अजमेर जोन होगा और एग्ज़ाम जो है वो निकालने में काफ़ी आसानी होगा। तो एलएच के लिए आप ज़रूर जाएँ खेतड़ी माइंस, अगर आप श्रीधर सिंघानिया या इन सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो।